अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम राशिद है, डॉक्टर राशिद, और आज मैं यहाँ पाम दुबई पे खड़ा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अपनी मेमोरीज़ को। आज हमने गाड़ी पे इस पाम दुबई को काफ़ी विज़िट किया है और देखा है, और यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर करना जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इस तरफ देखें, आप में से बहुत सारों ने कराची साहिल समंदर भी देखा होगा, और आज इस साहिल समंदर को भी देखें, आपको किसी जगह कचरे का एक ज़र्रा नज़र नहीं आएगा। इंतहाई साफ़ सुथरा पानी है, और अगर आप देखें तो तो ये डिफरेंट यॉट्स नज़र आ रहे हैं। टूरिज्म जो है वो लोगों ने इतना टूरिज्म है यहाँ, लोगों को अट्रैक्ट किया गया कि लोग इन यॉट्स पे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी छोटा जहाज़ जो है वो आता है और लोगों को पैराशूट के ज़रिए जो है वो नीचे फेंक रहा है, और जो है इसका 2500 जो यूएई दिरहम है वो उसके सामने। अगर मेरे पीछे देखें तो वो जो है दुबई आई है, एक बहुत बड़ा सर्कल है, झूले नुमा वैसे हमारे यहाँ भी होते हैं वो छोटे छोटे, लेकिन ये इतना बड़ा है कि ये साथ वाले टावर के इक्वल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ अगर आप इस फुटपाथ को देखें तो ये इस कदर साफ़ सुथरा है कि आपको किसी जगह कोई कचरा या कोई गंदी चीज़ नज़र नहीं आएगी। और अगर मैं ये बात करूँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की, तो ये जो जितने आपको बड़े बड़े टावर्स नज़र आ रहे हैं, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये दुबई वालों ने अपने पैसों से ये सारे बनाए हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उन्होंने अच्छी पॉलिसीज़, अच्छा जो है कानून और जिसे कहते हैं अमन पैदा किया है अपने मुल्क में, और ये इन सब पे मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरनेशनल लोगों की इन्वेस्टमेंट है, जिनमें जो है यूरोप, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर जगह के लोग जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ये यानी कि यूँ समझ लें भी एक ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है जो कि इस वक्त डेवलप हुई हुई है। पैगाम मुझे सिर्फ ये देना है कि बेशक आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज ना हों, आप अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और सोशल फ्रेंडली हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और लोग जो है आपके इलाके में आएंगे, और जो है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। बहुत शुक्रिया।